आज के टाइम में आपको वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का वेट तो होगा। वायरलेस चार्जर तो आ भी गए हैं, पर वह कम्प्लीटली वायरलेस नहीं है। लेकिन हमारे बीच में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत पुरानी है और वायरलेस काम भी कर रही है, और शायद आपको उसके बारे में पता भी नहीं होगा। पता होगा लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। कोई भी मोटर तो आपने देखी होगी। यदि आप इंडक्शन मोटर को देखोगे तो उसके स्टेटर और रोटर के बीच में स्मॉल सा एयर गैप होता है, वह कभी टच नहीं करते, और स्टेटर से रोटर में इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन वायरलेस ही होता है। और मोटर तो आपको पता है काफी सालों से हमारे बीच में है, हर मोटर में ऐसा ही होता है। और एक ट्रांसफॉर्मर भी है, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन वायरलेस ही होता है। जबकि आपको पता है मोटर और ट्रांसफॉर्मर हमारे मोबाइल चार्जर जैसे नहीं है, बहुत ज्यादा हेवी इलेक्ट्रिसिटी का इनमें ट्रांसमिशन होता है, वह भी वायरलेस। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हमारे घर में इतने सारे इक्विपमेंट है, वह वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी से क्यों नहीं चलते? फिर इनमें इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप क्यों नहीं हो पाई? क्या यह सच में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल भी है या नहीं? देखिए, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल तो है, पर अभी तक हमारे पास में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लॉन्ग डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिसिटी वायरलेस ट्रांसफर कर पाए। अभी भी हमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए वही कन्वेंशनल सिस्टम, बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन लगानी पड़ती है, क्योंकि इकोनॉमिकली अभी तक तो यही बेनिफिशियल है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल भी है और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में हम हमारे घर में एक ऐसी डिवाइस लगा दे जिससे हमारा टीवी, फ्रिज, कूलर यह सब वायरलेस ही चले, हमारे फोन भी हमारे पॉकेट में ही चार्ज हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज करने के लिए हमें बस हमारी कार को चार्जिंग स्टेशन पर ले जाकर खड़ा करना होगा और हमारी गाड़ी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन यह सब एक शॉर्ट डिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के एग्जाम्पल्स है। तो थोड़ा सा हम यह देख लेते हैं कि यह लॉन्ग डिस्टेंस पर पॉसिबल क्यों नहीं है। अभी जो भी वायरलेस चार्जर है उनको हम वायरलेस नहीं बोल सकते, क्योंकि फोन को तो हमें चार्जर से टच करना ही पड़ता है, तब जाकर हमारा फोन चार्ज होता है, और वह भी बहुत स्लो, कोई फास्ट चार्जिंग नहीं है उसमें। एक जो सिंपल वायर होता है, जब उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो वह वायर अपने आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इस चीज को आप आसानी से जो हाई वोल्टेज की लाइन होती है उससे समझ सकते हो। जैसे 400 केवी की लाइन है, तो उस लाइन के पास से आप निकलोगे तो आपको उस लाइन की आवाज साफ साफ सुनाई दे जाएगी, और आपने लोगों को यह बोलते भी सुना होगा कि इस लाइन के पास मत जाओ वरना यह अपनी तरफ खींच लेगी। उसके पीछे यह मैग्नेटिक फील्ड ही होता है। इन वायर के आसपास में इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है कि हमें इनको टच करने की भी जरूरत नहीं है। यदि हम इनके पास में भी चले गए तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और हो सकता है कि हम मर भी जाएं। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड को हम काम में लेकर क्या करते हैं कि हम एक कॉपर वायर लेते हैं या एल्यूमिनियम वायर भी ले सकते हैं, और फिर उससे एक कोयल बनाते हैं, और इस कोयल को हम सप्लाई देते हैं तो यह कोयल अपने आसपास में फील्ड जनरेट करेगी। इस कोयल के पास में हम सेम टू सेम ऐसी ही एक दूसरी कोयल बनाते हैं और इसके पास में रखते हैं। तो यह जो पहली वाली कोयल है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की लाइन इस दूसरी कोयल को क्रॉस करेगी जब हम इसको पास में लेकर जाएंगे तब। और इस सेकेंडरी कोयल से यदि हम कोई लोड कनेक्ट करते हैं, छोटा बल्ब जलाते हैं, तो वह जल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन हो रही है। यह तो बस एक इसकी बेसिक सी कहानी है। जो हमारे वायरलेस चार्जर होते हैं उनमें एक कोयल हमारे स्मार्टफोन में लगी रहती है और दूसरी कोयल चार्जर में, और चार्जर वाली कोयल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है और स्मार्टफोन वाली कोयल उसको रिसीव करती है और हमारा फोन चार्ज होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह आती है कि जैसे मैंने अभी आपको हाई वोल्टेज लाइन का एग्जांपल दिया, तो यदि हम हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन करेंगे वायरलेस, तो यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना होगा, और यदि इस फील्ड के बीच में यदि कोई पर्सन आ गया तो वह इस मैग्नेटिक फील्ड के शॉक की वजह से मर जाएगा। और पर्सन की बात नहीं है, कोई भी जानवर या लिविंग बॉडी इसके बीच में आ गई तो वह तो वहीं खत्म हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को काम में लेते हैं, जैसे हमारे ब्लूटूथ वाईफाई में होता है वैसे। हमारे आसपास में आपको पता है बहुत सारी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी पड़ी है, ब्लूटूथ वाईफाई, हमारे सेल फोन टावर पर, हम इन सबसे एकदम सेफ है। और इसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड है टेस्ला कॉइल। आपने टेस्ला टावर का नाम तो सुना ही होगा, जिसको महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने बनाया था, और उनका यह आइडिया था कि वह पूरी दुनिया में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना चाहते थे, और यहां तक उन्होंने 19th सेंचुरी में वायरलेस बल्ब को भी जलाया था और वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफर की थी 30 मीटर की डिस्टेंस तक। लेकिन आपको पता है सक्सेस लोगों को हजम नहीं होती, तो उनके एक्सपेरिमेंट को वहीं पर स्टॉप कर दिया गया। निकोला टेस्ला ने एक बहुत बड़ा टावर बनाया जिसका नाम था वार्डन क्लिप टावर, जिसको हम प्यार से टेस्ला टावर भी बोलते हैं। देखिए, मैं आपको ज्यादा
तो यहाँ पर कंफ्यूज करूंगा नहीं, लेकिन वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी कितनी सक्सेसफुल है इसके लिए हमें यह सब जानना भी जरूरी है। कैपेसिटर के बारे में मैंने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में दी थी, आप उसको देख सकते हो। और एक होता है इंडक्टर, जो भी अपन कोयल वाला एग्जांपल देखा था, इस कोयल को इंडक्टर ही बोलते हैं। अब यदि इंडक्टर और कैपेसिटर को हम एक सर्किट में लगा देंगे तो यह दोनों सर्किट में ट्रांजिएंट पैदा करते हैं, सर्किट को शांति से नहीं बैठने देते हैं। अब यह इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों इस सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर काम करेंगे। अब मैं आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। यह इंडक्टर और कैपेसिटर क्या करते हैं कि एक दूसरे को आपस में चार्ज करते हैं इस सर्किट में। जैसे इंडक्टर चार्ज होगा तो वह कैपेसिटर को चार्ज करेगा, तो कैपेसिटर का चार्ज बढ़ेगा, और फिर कैपेसिटर वापस डिस्चार्ज होगा और इंडक्टर को चार्ज करेगा, तो कैपेसिटर का चार्ज वापस डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से यह प्रोसेस चलती रहती है, और यहाँ पर हम सही से देखेंगे तो एक वेवफॉर्म सी बनती जाएगी, और इसी वेवफॉर्म को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब यह थोड़ी देर बाद में स्टेबल हो जाएगी, अप डाउन नहीं करेगी ऐसे, क्योंकि एक टाइम के बाद में कैपेसिटर और इंडक्टर आपस में चार्ज कराकर बैठ जाएंगे, तो वह कंडीशन कहलाएगी रेजोनेंस कंडीशन। अब यह तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है जिसको हवा में ट्रेवल करना है, लेकिन इसको पावर देने के लिए हमें वोल्टेज को बहुत ज्यादा हाई करना होगा। तो टेस्ला का जो टावर था, उन्होंने मिलियंस ऑफ वोल्टेज को यूज में लिया था वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन करने के लिए। तो टेस्ला ने इस इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट के सामने भी एक ऐसा ही सर्किट रखा जो इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को रिसीव कर सके और इस फ्रीक्वेंसी को हवा में छोड़ सके। तो यह जो दूसरा सर्किट है जिसको सेकेंडरी कोयल बोलते हैं, इसका वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई होगा और करंट इसमें कम होगा। जब इसको ऑन किया जाता है तो इस टेस्ला टावर की वेवफॉर्म को हवा में देखा जा सकता है, जो एक बहुत ही खतरनाक स्पार्क क्रिएट करती है और अपने आसपास में फील्ड जनरेट करती है। अब यदि इस फील्ड के पास में हम कोई बल्ब लेकर जाएंगे तो वह आसानी से जल जाएगा, क्योंकि इस कोयल ने अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करके रखा है और यह फील्ड पूरी हवा में फैला हुआ है, जितनी इसकी रेंज है उतना। तो यदि इस मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टेक्ट में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आती है तो वह काम करना शुरू कर देगी, और यदि इस स्पार्क को हम हाथ से टच भी करेंगे तो हमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि यह जो भी स्पार्क है स्किन इफेक्ट की वजह से हमारी बॉडी के ऊपर से ही फ्लो करेगा। तो इस तरीके से वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन तो हो जाती है। आपको टेस्ला कोयल के बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो दिख जाएंगे, आप उनको देख सकते हो, लेकिन यह लॉन्ग डिस्टेंस पर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए हमें वोल्टेज को इतना ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा जो अभी तक हमारे पास में पॉसिबल नहीं है। और लॉन्ग डिस्टेंस में दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करते हैं रिसीवर के पास में, इतनी पहुंच नहीं पाती, बहुत ज्यादा रास्ते में लॉस हो जाएगी। क्योंकि आप एक बात सोचो, जैसे अभी मेगावाट गीगावाट में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन होती है, और इतनी इलेक्ट्रिसिटी का वायरलेस ट्रांसमिशन होगा तो बीच में जो छोटी मोटी फ्रीक्वेंसी है सेल फोन टावर की, वह तो इससे डिस्टर्ब हो जाएगी। और हो सकता है कि इतनी ज्यादा हाई पावर में यदि कोई बीच में कोई लिविंग पर्सन आ गया तो वह तो वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सी फ्रीक्वेंसी तो रास्ते में ही लॉस हो जाएगी, और यदि इस वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन में यदि कोई पेड़ आता है या कोई ऐसा रुकावट आती है तो वह भी इसको डिस्टर्ब कर सकती है इस मैग्नेटिक फील्ड को, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी रास्ते में बहुत सारी लॉस हो जाएगी। और जब यह टेस्ला कोयल ऑन होती है तो यह इतना ज्यादा स्पार्क क्रिएट करती है कि जब लॉन्ग डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन होगा तो आकाश में ऐसा लगेगा जैसे बहुत ज्यादा बिजली चमक रही है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है। लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यह हेल्पफुल है, ऐसा हो सकता है कि हमारे घर में आने वाले टाइम में वायरलेस सभी इक्विपमेंट चलने लग जाए, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस पर इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और ऐसा होगा ही कि आने वाले टाइम में शॉर्ट डिस्टेंस पर हम वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट भी समझ में आया होगा और इसकी प्रॉब्लम्स भी। तो वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल पर विजिट कर सकते हो, जहाँ पर आपको ऐसे ही और वीडियो देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।